हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज देखिए हमारे घर न्यू रेसिपी बनने जा रही है। और हमारी दीदी देखिए ये बना रही हैं। क्या बना रही हो? फरा बना रहे हैं। तो फरा बना रहे हैं, फरा बनाने जा रही हैं दीदी। देखिए ये चावल का आटा है, टिकरी बना रही हूँ अभी। चावल का आटा ऐसे गूँथ ली है और देखिए इसको ऐसे गोल गोल करके, ऐसे गोल गोल करके ये ऐसे बना लेती हैं, ऐसे बनाएंगे। और ये सब देखिए ढेर सारा बना के रखी हैं। और इधर ये दाल है, इसमें उड़द की दाल और थोड़ा सा चने की दाल मिक्स करके इसको पीसा गया है। और इसमें देखिए नमक वमक डाल के अभी सब रखी हैं। और इसको ये टिक्कर बनाने के बाद इसमें भरेंगी, उसके बाद इसको भाप से उबाएंगी। देखिए ये पानी रखे हैं गर्म होने के लिए, ये पानी गर्म हो जाएगा। और ये देखिए इसमें ये छेद वाला बर्तन है और इसी में डाल के, तो ये जो छेद है ना इसका, इससे इसको इस पर रख देंगे और इसी से ढाप देंगे, ठीक है। और इसमें जो भाप से ही अच्छे से हो जाता है, उसके बाद इसको टमाटर की चटनी से या सॉस वगैरह से कुछ भी खाने से बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अगर बच जाए तो दूसरे दिन फ्राई भी करके खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बताओ दीदी कैसा लगता है आपको खाने में? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए। हाँ, आप लोग भी बनाइए इसको। और बहुत सारे लोग इसे अभी जानते नहीं होंगे क्या है ये, बस क्योंकि कई जगह तो मैंने मतलब देखा है कि मतलब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको जानते ही नहीं हैं। और ये वास्तव में खाने में बहुत अच्छा लगता है। और चावल के आटे का, और ये चावल के आटे का बनता है, और ख़ासकर ठंडी वंडी में खाने में तो बहुत मज़ा ही अलग होता है। हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन भी ये बनता है और इसी की पूजा करी जाती है चढ़ा के करवा चौथ माता को। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए एक वीडियो में कंटिन्यू, कैसे ये इसका बनने तक के पूरा, खाने तक का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे आज वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इसे खाइएगा जरूर, सॉरी देखिएगा जरूर, और आप लोगों को मतलब बना सकते हैं घर पे, बना के खा भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दीदी ऐसे बना रही हैं, देखिए कैसे बना रही हैं। दिखाओ दीदी कैसे बना रही हो इसको। ऐसे दाल लिए हाथ में और इसको दाल इसमें भर के थोड़ा सा ऐसे दाब देती हैं थोड़ा सा। और देखिए ये इतना बना के रखी हैं और इसको जा रहे हैं उसमें डालने, तो ले जा रहे हैं हम इसको डालने के लिए उसमें। और हम भी बना रहे थे इसमें, भर रहे थे। तो देखिए इतना है और इतना देखिए ये ढक दिए हैं इसको, और इसमें भी इसमें थोड़ा सा रख दिए हैं। देखिए ये है बना के थोड़ा सा, देखिए ये दिख नहीं रहा होगा इसको, ये है। और देखिए ये पानी गर्म हुआ है और इससे भाप निकल रही है, तो थोड़ा सा तेज़ कर दे रहे हैं इसको हम। और इसको हम डालेंगे, इसी में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी को इसमें हम डाल देंगे और ये ऐसे पड़ गया। और इसकी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं। और देखने में काफ़ी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी पसंद है हम लोगों को। बहुत जगह तो बहुत बड़ा बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बड़ा करके बनाते हैं, तो हम लोग उतना बड़ा नहीं बनाते, छोटा छोटा बनाते हैं, छोटा छोटा खाने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली जब अभी तैयार हो जाएगा तो उसका भी हम दिखाएंगे वीडियो आपको। तो आप लोग बने रहिए, देखिए ढक दिए हैं अच्छे से जिससे भाप बाहर ना निकलने पाए। और देखिए ये थाली एकदम बैठ गई है इस पर, और अभी ये पकेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा तेज़ कर रखा है इसका फ्लेम। और देखिए दीदी और बना रही हैं अभी जो बचा हुआ है, अभी इतनी दाल बची हुई है और इतना सा आटा भी और है बनाने के लिए। देखिए तो दीदी अभी और बनाएंगी, हम भी बना रहे हैं साथ में। तो चलिए फिर आगे अभी पक जाएगा तो दिखाएंगे उसका वीडियो और उसके बाद खा। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली ये एक घान उतर गया है जो पहले चढ़ाया था, ये उतर गया है। देखिए इसमें भाप निकल रहा है, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा भाप निकल रहा है गर्म गर्म, ये भाप देखिए दिख रहा है। देखिए फाइनली इसका लुक ऐसे कुछ आया है, और देखिए कितना गर्म है ये, और ये खाने में बहुत मस्त लगता है। ऐसे अलग अलग कर लेंगे इसको, और चटनी टमाटर की चटनी या सॉस वगैरह किसी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको दे आते हैं, मम्मी को मांग रही हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये चटनी बनाई है दीदी ने, ये खटाई, आपने लोगों ने सुना होगा खटाई बोलते हैं जो आम का बनाया जाता है उसी की चटनी है। और ये देखिए चटनी है, और दूसरा घान ये रख दिए होने के लिए, ये हो रहा है।
और इसको अच्छे से ढक दिए हैं। और ये देखिए ये वाला अच्छे से हो गया है और इसको हम अभी सभी लोग खाएंगे। मम्मी को तो दे दिए हैं थोड़ा सा खाने के लिए, मम्मी मांग रही थी खाने के लिए तो उनको दे दिए हैं। और ये थाली है, इसे भी हमें अभी हम लोग खा लेंगे और इसको ढक के रख देते हैं चटनी को। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हम भी रखते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, बाय।